ये तस्वीरां होशियारपुर के शेरगढ़ दियां ने जिथे के पुलिस वालियां दे वलों एक नौजवान नूं कुट दिता जांदा है। पिंड वासियां दे वलों इल्जाम लगाए गए ने। दरअसल उस नौजवान ने करीब 3 महीने पहला व्याह करवाया सी ते उसनूं लगातार तंग परेशान कुड़ी दे परिवार दे वलों कीता जांदा है। पिंड वासियां दे वलों इल्जाम लगाए जा रहे ने जिस दे तहत पुलिस वालियां ने नौजवान की कुटमार की ते उसनूं जबरदस्ती हथकड़ी लगा के थाने ले जाण की कोशिश की। पिंड वालियां ने पुलिस अधिकारियों नूं घेर लिया, पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता है, हंगामा होता है, तो हंगामे की वीडियो सामने आई है। हंगामा किया गया जो तस्वीर सामने आई ने होशियारपुर के पिंड शेरगढ़ दिया जिथे के पिंड वासियों के वलों पुलिस अधिकारियों घेर लिया। हालांकि पुलिस ने अपने ते लगे सारे इल्जामों सिरे तो खारिज कर दिता है ते मामले की अगलेरी कार्रवाई की जा रही है, पर पिंड वासियों के वलों धक्केशाही के इल्जाम पुलिस अधिकारियों ते लगाए गए ने। तो उन्होंने पुलिस वाले का कहना है कि असी कानूनी कार्रवाई की है, इस तो बाहर जाके होर कुछ नहीं किया। तो फिलहाल लड़के को तंग किया जा रहा है जो पुलिस वाले से इल्जाम लगे ने, जिस प्राइवेट गड्डी सी, गड्डी दा नंबर भी नहीं सी। पहला पुलिस जो कटिंग मुंडे की दुकान बलबीर की उत्थे मुंडा जिहड़ा काम करता सी जबरदस्ती चक के लै के आए आ, गड्डी सिट के लगाए कुट दे मारदे, फिर उत्थों आण के इहनां दे घर आ गए आ। नाल ही शेरगढ़ दे इत्थे नाल कटिंग की दुकान आ जी, कटिंग दी। ठीक आ जी, मुंडा हेयर ड्रेसर दा काम करदा। हां जी पूरी जो भी आ कोई ना कोई कदी पूरी पंचायत में बुला लेंगे, उत्थे हमला करते हैं गुजर 50-100 बंदा इकट्ठा हो जाता है। पुलिस की भी वर्दी पाड़ी है, उत्थे भी नहीं कोई पुलिस ने एक्शन लिया। आदमपुर थाने मुलाजम जी 7-8 जने मुंडे 3-4 जने से पिछे गड्डिया मैडम किस गल तो आए आ,
मैडम कहती जी भाई सानू उतो ब्यास तो आए हैं, फिर क्या भी किस मैटर से आए हैं भी परमिशन ली है तुम्हें, वो फिर जबरदब गड्डी बैठे दबद मुंडे का मोबाइल खोया तो लैके दौड़ गए गड्डी, तो मुलाजम इतने बाकी लोगों ने मुलाजम घेर लिया इतने, फिर उन्होंने तो पूछा गया तो कहते जी मैडम का कसूर है सारा भी एस एच ओ मैडम ने पैसे खाधे और साडा कोई कसूर नहीं सानू छड़ दियो, हुण सदर थाने वाली पुलिस वाली कहिंदे आ वी उत्थे आ के बह के राजीनामा कर, थाने दी पुलिस आई सी कुछ पता तुहानू? इह नहीं जी ब्यास तो पुलिस आई, इन्ना ही कह रहे आ। कुड़ी मुंडे दा कोर्ट मैरिज होई हुआ, हाई कोर्ट दा फैसले ना रीगल तरीके नाल उहनां दा ब्याह होया, ते नंबर दो इस तों बाद बयान भी हाई कोर्ट च हो गए आ, पुलिस वाले आए मूँह बंद के नाल उहदे तीन मुंडे आ कदी बोली जांदी आ, उहनां दे विच उन्होंने धक्का किया जे असी ना वो मुंडे को कड़ी लाई असी गड्डी सिट लिया, जेड़े दो मुंडे गुजरां दे नाल आए जबरदस्ती उन्होंने मारिया भी आ, इन्हां ते भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस आए प्राइवेट गड्डी चाहिए पुलिस भी हाँ उन्होंने आए नाल लैके आए, हाँ जी नाल लैके नाल ही रहिंदे सर, तीन चार महीने तो हाँ जी ब्याह हो गया, हाँ जी बिना दसन आई है और इन्होंने आके धक्का किया जबरदस्ती घरों इनू मुंडे ना जिदा कुट दे लैके आए अंदर जेडे नाल दो गुजरां दे मुंडे आए सके, इन्हां ते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ जी जबरदस्ती गड्डी सिटदे सी, हाँ जी जबरदस्ती गड्डी सिटदे सी, असीं मंग प्रशासन तो यही करते हैं कि ये जिहड़े नाल आए हो ना चलो पुलिस आती है कोई सरपंच की तलाह लेंदी किसी पंच नूं सादे नाल लेंदे, इन्हां ने धक्का किया साढ़े कहण दे उत्ते जदों असीं रोक लिया उन्होंने पिंड वालिआं ने साढ़े पूरे पिंड दे महल्ले ने रोक लिया तां जाके थाने चों परमिशन लैण गए जी, एंटी पुलिस आई है तां हुण पुलिस की कहिंदी आ थाने बुलाया, हाँ जी ते हुण की मंग आपणी? साडी सर मंग यही है कि जिहड़े नाल गुंडागर्दी आए मूँह बन्ने असीं ना गड्डी आए आ इन्हां ते भी कार्रवाई की जानी चाहिए, कित्थे दी पुलिस आई सी? ये ब्यास पिंड तों कहिंदे जी असीं आए आ, पुलिस ब्यास दी आई? हाँ जी ब्यास दी, खड़े ने गलत नहीं आए गए FIR लॉन्च आ जाओ मैडम उधर आ जाओ, उधर आ जाओ मैडम उधर आओ, 376 आ जाओ चलिए केड़ी एक आ जाओ थाने आ जाओ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਆਓ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਡਮ ਆਓ ਲੋ ਇਨਾਮ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਆਸ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਬੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੁਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਲੋਅ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ।